हम उस बच्ची से वीडियो कॉल भी करके आए हैं। मैं मुस्कान से उनके वालिद से बात किया, उनके वालिद को कहा कि आपने अच्छी तरबियत दी अपनी बेटी की, उसको उसके हिम्मत और हौसले को अल्लाह और बुलंद करे। तो उस बच्ची ने हमसे भी बात की और उसने कहा कि ओसी साहब, हम आपके भाषण को सुनते हैं। मैंने कहा अरे यहां भी सुन रहे हैं, मगर खैर बैठे हैं यहाँ पे सारे मैसूर मंडिया। ये लड़की के वालिद साहब है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ठीक हूँ साहब, अल्लाह का फजल है, आपकी दुआ है। आपकी तबीयत कैसी है, कैसे है? मेरी भी तबीयत अच्छी है। आपकी बेटी, मेरी बहन ने देश का नाम रोशन किया, आपसे बहुत अच्छा काम किया। बेशक बेशक, वो फखर है उस पे जो संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखी साहब। और हमारे मुस्लिम भाई बहनों भी उसके सपोर्ट में खड़े हैं बहुत सारे। बेशक बच्चे के लिए और बच्चे के जज्बे से और फॉर्म हमारे आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे के लिए तो दुआ है। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट साहब ने भी साथ में कुछ दिए हैं, बहुत दुआ की सब तारीफ के काबिल तो है। वो साहब ने उसका इशू उठा रहे हैं जिस तरह से सब नहीं, घबराने की बात नहीं है मुस्कान बेटा, हिम्मत रखिए। माशाल्लाह आपके इसी जज्बात को वारिस पठान सलाम करता है बेटा, लेकिन अपनी पढ़ाई चालू रखिए, अच्छी इससे आगे बढ़िए, पढ़ाई लिखाई करके अपने देश का नाम रोशन करिए। मगर एक ही चीज की सलाह दूंगा बेटा, अपने संविधान के दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ते रहिए। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला आपको कामयाब करेगा आपके जिंदगी के सफर में। और हम सबकी दुआएं आपके साथ है। हमारे बॉस से हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन हमको फोन करके बोल रहे हैं कि हम सब उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं और उस बच्ची के साथ हमारी दुआ हमारी प्रार्थना है। अब आगे बढ़िए बेटा, कुछ भी है तो हम आपके साथ में हैं बेटा। और कुछ देश के नाम आप कुछ संदेश देना चाहेंगे तो आप संदेश भी दे सकते हैं बेटा। बिल्कुल अपने हक की लड़ाई लड़ते रहना, आप सही हो। माशाल्लाह अल्लाह आपको और कामयाबी दे और आपको हिम्मत दे। और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट तो हमेशा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो आपसे बात भी की है, वो तो आपकी तारीफ कर रहे हैं और हर तरफ हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं बेटा। बस आप अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाइए और अच्छे से अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। आज उनकी वजह देखो आपको कितनी हिम्मत है और आज आप पूरे देश विदेश सब तरफ आपको अल्लाह सुब्हान व तआला इज्जत से नवाज रहा है, ये आपकी हिम्मत की बात है। तो बस आगे बढ़िए बेटा और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।